चला जा यार। अरे यार वीडियो बनाना क्या आर्मी के दौड़ से कम थोड़ी है यार। पहाड़ पे चढ़ना, जंगलों में जाना, जो जो लोग वहाँ जा नहीं सकता उस जगह को विजिट करना, एक्सप्लोर करना, ये सब कम बात थोड़ी। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आप सबों को जिस जगह पर लेकर के आए हैं वो है गुरपा हिल्स पे। तो आज हम आपको सबों को गुरपा हिल्स पे लेकर के चलेंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में। और साथ में कुछ फ्रेंड्स भी हैं और कुछ फैमिली मेम्बर भी आए हुए हैं और कुछ लोकल लोग भी हैं जो भैया घुमाने के लिए हमको लेकर के आए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये गुरपा हिल्स आपको दिख रहा होगा और इधर भी मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। आप एक और हाई कीजिएगा आप लोग सब। आप देख सकते हैं कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं और सारे चाचा भी पानी पी रहे हैं। और तो चलिए आपको ले करके चलते हैं गुरपा पहाड़ के ऊपर में। और वहाँ पे एक स्तूपा बना हुआ है, वो भी आप सबों को दिखाएंगे। और अभी समय हो चुका है लगभग कितना, हाँ लगभग 11 बज चुका है। तो देखिए हम लोगों को कितना समय लगता है ऊपर जाने में। तो जो भी होगा आप सबों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आपको ले करके चलते हैं ऊपर में। तो हम लोग लगभग करीब घर से निकले थे, करीब हम लोग को 8 बज गया था ना निकलने में। हम लोग 8 बजे निकले थे और अभी समय हो चुका है 11। काफ़ी समय लग गया घर से आने में। और बीच बीच में हम लोग मतलब रुके भी थे, मतलब नाश्ता उस्ता वगैरह सारा कुछ कर हो गया है और इन्जॉय करते हुए। इधर मेरा छोटा भाई और देख लीजिए पानी पी रहा है वो। और वो जानते क्या पूछ रहा था, कौन सा फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो हम लोग गरीब टाइप के यूट्यूबर हैं। तो चलिए और आ जाओ। और मेरा राहुल भी आ गया जो हमेशा सपोर्ट करता है हर एक वीडियो में। और ये है इस तरह का पैचअप जाने के लिए। हम लोग बाइक उधर पार्क कर दिए हैं जंगल में, जो होगा जो देखा जाएगा। चलिए आपको ले करके चलते हैं ऊपर। और लगभग हमको कितना शायद बोल रहा था सब लोग कि 1400 सीढ़ी हम लोग को मतलब चढ़ना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी सीढ़ी नहीं मिला है और अभी चल रहे हैं इस जंगलों के बीच में। अब देख सकते हैं पीछे में जंगल आपको दिख रहा होगा। और इधर हमारे सारे फ्रेंड्स चल रहे हैं। तो आज देखते हैं कि किसको हालत बिगड़ता है। राहुल भाई तो बोल रहा था भैया आपको ज़्यादा तकलीफ हो गया था, पानी उनी ले लिया हम लोग और खाने का भी सामान ले लिया है। बीच बीच में हम लोग स्टॉपेज भी लेते रहेंगे बैठने उठने का। मौसम काफ़ी धूप हो गया यार, गर्मी की हुआ था सुबह तो ऐसे। रात में हम लोग को करीब 3 या 4 बजे पानी पड़ा था लेकिन उसके बाद मौसम ख़राब हो गया यार। अब देख सकते हैं कि धूप दिख रहा होगा आपको, चेहरे पे पता चल रहा होगा। तो फिलहाल ये रहा सीढ़ी जो स्टार्टिंग हो चुका है। तो एक बार प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद लेकर के चलते हैं आपको ऊपर। और काफ़ी गर्मी है यार यहाँ आने के लिए। ठंड सफिशियंट समय वही है, ठंड में आप आ सकते हैं इस जगह पर। और अगर बरसात में भी ठीक है लेकिन बरसात अगर हो जाता तो बढ़िया है, ऐसे ठंड ही बेहतर है इस जगह को देखने के लिए। ये जो स्टेयर है काफ़ी छोटा छोटा स्टेप है तो चढ़ने में तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं नहीं ये पुटरुस है, हाँ ये पुटरुस का फूल है वो। और आप देख सकते हैं ये वादियाँ, उधर भी माउंटेन्स है और जो आपको लेकर चल रहे हैं इधर भी माउंटेन्स है। क्या भैया कुछ बताइए कैसा लगा आपको? शुरुआत है, देखा जाए आगे क्या क्या होता है। फीलिंग तो उम्मीद है कि अच्छा है। हाँ लग तो रहा है कि जंगल झाड़ आराम से पहुंच जाएंगे। जाना है, देखिए मेरी आंटी को क्या होता है।
इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, शायद इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। मजिस्ट्रेट है हम लोग का घर पे। एकदम रिलैक्स होकर चलना है, एकदम रिलैक्स होकर चलना है, कोई एक बकाहट नहीं है। बीच बीच में पानी लेते रहिएगा जिससे डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो, समझ गए। कभी भी इस तरह से अगर हिल्स और पहाड़ पे अगर चढ़ते हैं ना आप लोग, तो पानी बीच बीच में लेते रहिए, उससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं हो सकता। और आप देख सकते हैं इस तरह से बैठने उठने का भी सुविधा किया गया, तो फिलहाल बैठ जाते हैं। आ जाओ। और काफ़ी हालत खस्ता हो जाएगा यार, जैसा लग रहा हमको। इधर राहुल और उस तरफ मेरे एक दोस्त, अभी नए नए सब्सक्राइबर बने हैं, ये भी हैं साथ में। और उधर मेरा छोटा भाई फोटो शोटो खींच रहा है वो। तो एक ग्रामीण है यहाँ पे, वो लकड़ी लिए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि बराबर यहाँ पे मतलब आते होते लकड़ी। नहीं, कहाँ से लू है, कौन गांव? माइंड मत कीजिएगा, ये मेरा बिहारी लैंग्वेज है, हम इनसे बिहारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप माइंड नहीं कीजिएगा। तो कहाँ पे रहा हूँ? स्टेशन के पास में। तो डेली लकड़ी लेकर उतरा हूँ? ना ना, वो भैंस के देख खटाल। अच्छा, खटाल के लिए मचलिए। तो ऊपर चढ़ जाऊँ, कितना देर में चढ़ जाऊँ? तू हम लोग चढ़ जाते हैं, डेली चढ़ते हैं, डेली चढ़ जाते हैं हम लोग, घास लेने के लिए चढ़ते हैं। तो चलिए देख लीजिए, ये अंकल मिले यहाँ पे, बाबा हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ पे लकड़ी ली हुई अपने, वो खटाल के लिए, शायद इनका मतलब जानवर उमर रखे हुए हैं घर में, तो उनके लिए लकड़ी ली है। कौन कौन चीज़ के ये लकड़ी है? झाव है। हाँ, तो ठीक है भाई, चलिए ऊपर बने रहिए ब्लॉग में, ऊपर लेके चलते हैं आप सबों को। गर्मी काफ़ी है यार, और आप इधर से नज़ारा देखिए, काफ़ी अद्भुत है यार ये। इधर आंटी पानी पी रही है, और आप देख सकते हैं उस तरफ मौसम एक नंबर है। पूछते अपना छोटा भाई से क्या फील है इसका, क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा तुमको? हाँ, इतना अच्छा लग रहा है कि देख रहे हैं, पसीना पसीना हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 2 मिनट का स्टॉपेज लिए थे, और पानी ने पी लिया सब लोग, तो सब लोग आ गए हैं देख सकते हैं। और इधर अब कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी, अभी शुरुआत हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ है लगभग। करीब कितना सीढ़ी चढ़े होंगे? 50 सीढ़ी चढ़े होंगे भाई। तो चलो ले करके चलते हैं। और इधर है दीपक, आधा बोतल पानी खत्म हो गया। कोई दिक्कत नहीं, खा लिए वो तो भर लेंगे, इतना पानी निकल रहा है। हम नहीं बताए कुछ, हम इस हम वीडियो हम सब लोग व्यूवर्स को बता रहे थे। चला जाए। उधर ठीक है, लेकिन ये खड़ा पर दूसरी है, लेकिन कोई बात नहीं, थकेंगे तो चार पेड़ पे चलेंगे। बरसात गर्मी वाला सीजन भी है। हाँ, उसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये बरसात का मौसम पूरा अच्छा से क्यों रहता ना, जैसे पानी नहीं होता, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। और इधर आप देख सकते हैं, ये शायद लगता बांस का पेड़ है ना। हाँ, बांस का पेड़ है ये। इधर आप देखिए, बांस का पेड़ है, बड़ा प्यारा लग रहा है, जैसे चाइना में रहता है ना छोटा छोटा पत्ता वाला, उस टाइप का ये। हाँ, वीडियो में देखा था। हाँ, काफ़ी खड़ी चढ़ाए हैं यार, कभी भी एक बार में मत चाहिएगा, चढ़िएगा, सोचिएगा चढ़ जाए, रिलैक्स कर करके चढ़िएगा, कहीं आपको गिनीज बुक में नाम नहीं लिखवाना होगा। कभी भी आइए तो एकदम आराम कर करके चढ़िए, हाँ रिलैक्स कीजिए, उसके बाद चढ़िए। देखिए सभी लोग इधर रिलैक्स करने के मूड में हैं, और यह प्यार क्या बात है। जल्दी, हाँ, पहाड़ में कैसे इतना पौधा लगल है, कैसे यहाँ भी तो मिट्टी आ ही रहा है। यहाँ मिट्टी भी है, पानी भी देन आते रहता है, इसमें पानी जल्दी सोखता नहीं है, इसमें पहाड़ में वो पानी कैप्चर करने का वो रहता है। तो सारे लोग थक चुके हैं, अब देखिए उधर हिटलर भाई को, और इस तरफ मेरे भाई एक ठो ऊपर में है, और एक उधर भी भैया है जंगल के अंदर में, और इधर मेरे चाचा आंटी का जी गिर जाइए का। हाँ।
चूर हो गया यार, अभी आधा भी नहीं आया शायद। खैर कोई दिक्कत नहीं है, समय ले लेके चढ़ेंगे ऊपर। देखिए आइए बाबू, चलिए चलिए, जो होगा सो देखा जाएगा, कंटिन्यू करते हैं यार। जो देखा हो, जो क्या बोलते हैं, सब भूल गए, मिजू डाल देंगे यहाँ पे। हालत खराब कर रहा है। हाँ तो जोश, चलो हाय सर, हाँ तो जोश, हाय चला जा यार। अरे यार वीडियो बनाना क्या आर्मी के दौड़ से कम थोड़ी है यार, पहाड़ पे चढ़ना, जंगलों में जाना, जो जो लोग वहाँ जा नहीं सकता उस जगह को विजिट करना, एक्सप्लोर करना, ये सब कम बात थोड़ी है क्या? अच्छा अच्छा, अपना काम करे में लगे हुए हैं, ठीक लग रही है। थक गए यार, तो आप कभी भी अगर इस जगह पे, ऐसे जगह पे आते हैं पहाड़ या हिल्स पर्वत पे, तो यार आप पानी और खाने का सामान जरूर लेके आइए, नहीं एकदम मॉर्निंग में ही प्रयास करें। आप प्रयास करें कि मॉर्निंग में ही आए, बीच दोपहरिया में जैसे हम लोग आए थे करीब 11:30 के लगभग में, इस तरह से तो कभी मत चढ़ें, खास करके गर्मी के दिनों में। तो कभी भी अगर आइए तो आप सुबह आइए या फिर इवनिंग का टाइम सेलेक्ट कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाइएगा इस तरह पे पहाड़ पे पर्वत पे चढ़ पाइएगा। और ये दिमाग में बैठा ले तो इस तरह का, मतलब मेरे जैसा गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से एकदम टायर्ड हो चुका हूँ, मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स आए थे सारे थक चुके हैं। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, आखिर जिस जगह पर आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए तो ऊपर तो जाएंगे ही, समय लगेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के तो हम प्रॉब्लम झेलने के लिए तैयार ही रहते हैं हमेशा। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, और मेरे पीछे है राहुल कुमार, आप इसको हमेशा वीडियो में देखते होंगे मेरे ब्लॉग में। और मेरे उधर अंकल ऊपर सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, दिखा दो थोड़ा अंकल को तरफ उस तरफ, ये भी काफ़ी थक चुके हैं। ये राहुल भाई, और आपको ले करके चलते हैं, यहाँ पानी भी देख सकते हैं, पानी का भी लगता है सुविधा किया गया है। और ये आप देखिए क्या डिजाइन बनाया गया, देखिए यार आप देख सकते हैं, ये सोए से पानी आ रहा है पहाड़ के अंदर से, आप वहाँ से देखिए, और यहाँ से इस तरह से आ रहा है ये, और ये थोड़ा सा ये सब लगता है कि मुँह धोने के लिए लगता है ये। अच्छा धो के देखते हैं, जो भी है बढ़िया है, नहीं वैसा तो नहीं कर रहा, बस पानी का ये स्रोत है बनाया गया है, पीने का पानी नहीं है। चुप लाओ जी, चलो। अच्छा ये बांस का वो है जड़, बसेली
हाँ, जो काट के बेचता है वो। और आप देख सकते हैं इस तरफ सारे जगह पे यहाँ पे कटिंग करके रखा पिला हुआ है। हाँ यहाँ बैठो, उधर कहाँ जा रहा है? और यही वाला रहता है बाजार में मिलता है ना राहुल, ये बांस वाला जो कटिंग किया हुआ है यहाँ ना, यहाँ दिखा दो। और उधर आप देख सकते हैं आपको ये वो रेलिंग दिख रहा होगा हल्का सा। हाँ काफी गर्मी है यार, काफ़ी गर्मी है यार। कुछ लोग तो जवाब दे चुके हैं, कुछ लोग हैं जो रास्ते से साइड हो गए हैं, अब वो नहीं चढ़ सकते हैं। कि हम लोग चार हैं देख लीजिए, और दो ऊपर में, तीन चार ऊपर चढ़ा हुआ है, बाकी तीन जन जो थे वो अपना नेगलेक्ट हो गए हैं। हाय गाइस, काफ़ी टफ है यार पहाड़ चढ़ना। आई एम टायर्ड, काफ़ी थक चुके हैं, अब चढ़ा नहीं जा रहा यार। यहाँ से पाँच से दस सात मिनट ऊपर ऊपर इतना खड़ा है ना, इतना खड़ा सीढ़ी है ना ऊपर, ये आपको यार बयान नहीं कर सकते। जब आप आइएगा यहाँ पे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने कितना टफ चढ़ाई किया है। आज तक जितना भी पहाड़ चढ़ाता ही उसके मैंने इसके सामने वो सब जीरो है यार वो। सो आई एम प्राउड, फील कर रहे हैं कि हम इतना टफ पहाड़ को आज कैप्चर कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने आए हैं। हमारे साथ सारे फ्रेंड्स भी है और काफ़ी थक गए यार। तो फिलहाल अभी आराम करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। फाइनली हम लोग 1400 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरा हालत पतला हो चुका है। और इधर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1400 स्टेयर। और चलिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं इस तरफ मेरा हालत तो यार ख़राब हो चुका है। और इधर से अपना नज़ारा देखिए, काफ़ी अद्भुत है यार। आइए को लेकर चलते हैं ऊपर। अब इसके बाद हम लोगों को गुफा मिलेगा। हाँ जाके देख के आ गया, देखो ऊपर में एकदम, देखो ध्यान से। हाँ गिरा हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? हाँ ये देख लीजिए नजारा यार, हवा कितना लेकिन ठंडा आ रहा है ना। इधर प्रियांशु फोटो शूट करते हुए आ रहे, बोलो आ रहे, यही गुफा से आना है क्या? हाँ वही तो सोच रहे हैं, यही रास्ता है। चल प्रियांशु, अरे बैट बहुत है यार बड़ा बड़ा, चलो चलो दोस्ती हो जाएगा, बॉल खेलो, चलिए आप लोग चलिए। हाँ चलिए, बड़ी 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 है ना, यही रास्ता, यही रास्ता चलने का, चलिए ना, ये काफी महक रहा है ना। इधर से क्या जी, आ रहे आ रहे आ रहे, चलिए आंटी। अरे प्रियांशु चलो ना, तुम पहले मम्मी को भेज रहा है। चलिए चलिए चलिए,
अरे यही रास्ता से ना, हाँ ठीक है यही रास्ता है, चलिए ना। तो बोल रहा रास्ता बंद है, इधर वाला बोल रहा था। अंदर में तो हवा कम है, हम आगे जाए। आजा आजा, हम जाए आगे, चलो आजा। लो अभी तक तो आट रहा है, आ जाइए राहुल भाई। और यही है फाइनली गुफा, यही पतला सा रास्ता है। कहाँ फोकस कर रहे हैं आप? और ये बैग का काफी महाकार है यार, यहाँ पर चमगादड़ जो रहता है और काफी उसका स्मेल दे रहा है यार। इधर आ गया, अंधेरा दिखाई नहीं दे रहा, लाइट जलाइए ना। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गुफा हिल्स पे, और आप देख सकते हैं गुफा में चले गए हैं। कैसा लग रहा है? हालत बिगड़ गया।